तो देखो लहंगा नीचे से पूरा अनइवन हो गया है, 2 दिन से ये हैंग किया हुआ था। अब आप देख सकते हो कि लहंगा जो है सेंटर से बढ़ गया है, राइट। तो हाफ सर्कुलर स्कर्ट कभी भी सेंटर से बढ़ेगा, फुल सर्कुलर सेंटर से नहीं बढ़ेगा। वो ना सेंटर से बढ़ेगा ना साइड से बढ़ेगा, वो सेंटर और यू कैन सी फ्रॉम सेंटर लहंगा इज स्ट्रेच्ड। नाउ इट्स रेडी टू कट। अभी ये रेडी है कट के लिए। अब अलग अलग होता है, देखो जैसे कि आप कैन कैन लगाओगे तो आपका लहंगे का फ्लेयर ऐसे हो जाएगा, तो आपके बीच की लेंथ थोड़ी सी मतलब अपने आप शॉर्ट हो जाएगी जब फ्लेयर के अकॉर्डिंग, राइट। सो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कट करना होता है। कैन कैन लगा रहे हो तो आप कैन कैन लगाने के बाद भी काट सकते हो, या पहले भी कट करोगे तो सब बाद में आप ट्रिम कर सकते हो। तो अभी हमें नीचे से काटना है। देखो जैसे कि मैं ऐसे रख रही हूँ तो नीचे की लेंथ ज़्यादा आ रही है बीच की, फिर ऐसे रख रही हूँ तो लेंथ कम हो जा रही है। तो ये हम डमी पे रख के भी काट सकते हैं, या फिर ये हैंग करके इंच टेप से भी हम ट्रिम कर सकते हैं। लेंथ वाइज हम मेजर टेप से ट्रिम कर सकते हैं, वी कैन ट्रिम विथ लेंथ वाइज। बट नाउ आई विल कट विथ डमी, मैं डमी के साथ कट करूँगी। चलो मैं अभी इस तरह से डमी पे लगा के ट्रिम करूँगी। तो देखो हमें साइड लेंथ के अकॉर्डिंग कट करना है। वी हैव टू कट फ्रॉम साइड जॉइंट। ये वाला फ्रंट नहीं है, ये फ्रंट है, तो ये जो कभी भी ओपनिंग जो है उस तरफ आएगी, तो उस तरफ ओपनिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ। ओपनिंग हमेशा लेफ्ट साइड आती है, चाहे वो गाउन की जिप हो और चाहे वो स्कर्ट की जिप हो, ओपनिंग हमेशा लेफ्ट साइड आएगी, चाहे वो ब्लाउज़ की जिप हो। तो साइड की लेंथ के अकॉर्डिंग हम पूरा कट करेंगे। वी विल कट अकॉर्डिंग टू साइड लेंथ। साइड में लेंथ आ रही है 41, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो ज़्यादा ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा, तो 39 ही चाहिए। आई विल ट्रिम अकॉर्डिंग टू 39 इंच विथ मार्जिन। मुझे 39 विथ मार्जिन के साथ चाहिए। इस तरह मैं मेजर टेप रखूँगी। एक बार 40-40 के अकॉर्डिंग काटते हैं, फिर बराबर नहीं हुआ तो थोड़ा और ट्रिम करेंगे। अभी आई पिन को मैं सेंटर में लगा लूंगी। देखो जैसे जैसे कटिंग होता जा रहा है, पीछे से लेवल होता जा रहा है। अब किसी के बैक में हिप्स होता है तो बैक की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी सेंटर में से। मे बी बिकॉज ऑफ योर हिप मेजरमेंट यू वॉन्ट अ बैक लेंथ मोर देन योर फ्रंट लेंथ, सो यू हैव टू कट अकॉर्डिंगली। बैक की लेंथ फ्रंट से ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग काटना है। प्लस नेक्स्ट लहंगे में मैं उसकी डिटेल्स में बताऊँगी कि वो किस तरह से करना है। कितना ज़्यादा बढ़ गया देखो, क्योंकि जॉर्जेट है ना, और जैसे जैसे मैं कट करती जा रही हूँ एकदम लेवल हो जा रहा है अच्छा सा। तो देखो पहले 41 इंच से हमने पूरा कट कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी लेंथ था मेजर टेप रख रख के, ओके पूरा हमने काट दिया 41 इंच से। उसके बाद हमें 40 इंच का चाहिए, 39 प्लस 1 लेंथ प्लस 1 वी वांट। सो प्रॉपर मैंने इस तरह वापस इंच टेप रख रख के पूरा एक बार ट्रिम कर दिया, और लाइनिंग भी जो भी एक्स्ट्रा हो रहा था वो ट्रिम कर दिया। एट द एंड हमारा पूरा हमें 40 इंचेस चाहिए परफेक्ट, बिकॉज वी वांट लेंथ, सो इट शुड बी इक्वल टू 40-40 परफेक्टली फ्रंट एंड बैक, एंड लाइनिंग ऑल्सो वी हैव टू ट्रिम इट्स इफ इट्स विजिबल। देखो कितना सारा हमारा कट हुआ फैब्रिक, पूरा एकदम एग्जैक्ट 40-40 सेम होना चाहिए। अगर आपके पीछे की लेंथ ज़्यादा है हिप के अकॉर्डिंग, तो आप पीछे की लेंथ थोड़ी ज़्यादा कट कर सकते हो। इफ़ योर हिप इज़ हैवी देन यू कैन कट 1 to 2 inches एक्स्ट्रा फ्रॉम बैक इन सेंटर।
तो पूरा इस तरह 40-40 इंच मेज़र किया। एक बार हम लेके भी देख लेंगे इसको हाथों में कि किस तरह से हमारी लेंथ परफेक्ट आई है या नहीं। लैपटॉप को ऐसे करें, देखो इस तरह से हम पकड़ रहे हैं तो भी हमारी लेंथ एकदम परफेक्ट लग रही है। इस तरफ से छोटी क्यों लग रही है, सही है, ऐसे ही लग रही है। एक बार हम इस तरह से ऐसे भी करके देख लेंगे। इस तरह से भी हम लेंथ देख लेंगे। लाइनिंग भी ट्रिम कर दिया है, नीचे से भी हम ऐसे पहन के देखेंगे तो परफेक्ट आएगा। देखो